और जो लोग ये कह रहे हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ताड़ने का मतलब देखना है, तो ये ढोल गवार शूद्र पशु और नारी है ना, इनकी जगह ब्राह्मण छत्री और द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी लगा कर इसको कंप्लीट कर लो, मान सम्मान तुम लो ना, तो हम देखेंगे। देश के 90% आबादी जो है वो देखेगी तुमको। अगर इनके हिंदू राष्ट्र में अगर कोई रोड़ा है तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विचार, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की चाहे तो 22 प्रतिज्ञा हो, चाहे फूले का, चाहे पेरियार के 15 सवाल हो, पूरा ब्राह्मणवाद बाहर आ गया सारे पत्रकारों का। ऐसे लग रहा पता नहीं इनके हाथ में से कोई थाली छीन रहा है खाने की। जो चंद्रशेखर ने बात कही, जो राजेंद्र पाल गौतम ने बात कही, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में बड़ी मायने रखती हैं सारी चीज़ें। इसको कहते हैं चोरी और सीना चोरी। आप एक तो गलत कर रहे हो और ऊपर से फिर बदतमीजी भी कर रहे हो। इनको ये मालूम था कि ये जो धर्म ग्रंथ है ना हम ही पढ़ेंगे और हम ही ना लिखे हैं। उस समय तर्क करने वाला तो था नहीं, अब आज की तारीख में इसे तर्क करो तो ये कह रहे हैं ब्राह्मण से मुला जवाब लड़ा तो। अरे भाई ब्राह्मण तू भी तो आदमी है, कथा थोड़ी हो रही है, तू ही तो बोला, हम भी तो बोलेंगे। हमारे लोगों को बोलना पड़ेगा। राजेंद्र पाल गौतम ने 22 प्रतिज्ञा दोहराई, तो जो हमारे नकली अम्बेडकरवादी मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल साहब, उन्होंने इस्तीफा ले लिया। जब सवर्ण समाज का आदमी आपको वोट देगा नहीं, तो फिर सवर्ण समाज की लड़ाई क्यों लड़ रहे हो भैया? आपका फोकस इस देश के 85% 90% जो SC ST OBC माइनॉरिटी की आबादी उस पर होना चाहिए। फूलेवाद और अम्बेडकरवाद बढ़ेगा जब जब लोग शिक्षित होंगे तब तब वो सवाल खड़ा करेंगे, और सवाल खड़ा करेंगे तो सवालों से भागते हैं लोग, ये सवालों का जवाब नहीं देते। आप अपने सारे महामंडलेश्वरों को इकट्ठा कर लो और ये कहते हैं संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। भाई संविधान की समीक्षा मत करो, धर्म ग्रंथों की समीक्षा कर लो। हैं चाहे और दूसरे हैं, मनुस्मृति है, चाहे रामायण है, चाहे गीता है, ये जितने हैं मैं सबकी समीक्षा कर लो। और उस समीक्षा में चार हमारे दलित प्रोफेसर्स को बुलाइए संस्कृत के, को चार OBC प्रोफेसर्स को बुलाइए, चार सवर्ण समाज के प्रोफेसर्स रखिए और बैठ करके समीक्षा करिए। जो मानव के हित में है उसको रखिए और जो नहीं है उसे हटाइए। जो चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, पहली बात तो ये कि मैं उसका पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ। मेरा मत ये है कि जो उन्होंने कहा है, जितनी मुझे जानकारी है कि वो OBC समाज से आते हैं, यादव कम्युनिटी से आते हैं, तो OBC समाज जो है वो धीरे धीरे जाग रहा है जो गहरी नींद में सोया हुआ था। तो पहली बात तो यह कि मैं उनके इसका बयान का पूर्णतः समर्थन करता हूँ और मैं उनके लिए साधुवाद देता हूँ, उनके लिए धन्यवाद देता हूँ कि वो अपने बयान पर अड़े गए। अभी तक उन्होंने ना तो माफ़ी मांगी और ना वो विचलित हुई और ना वो पीछे हट उन्होंने कदम हटाया। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक उनकी जो पार्टी है, जिस पार्टी के वो विधायक हैं और जिस सरकार में वो मिनिस्टर हैं, उनकी जो पार्टी है वो उनके साथ खड़ी है। तो ये हमको समझना चाहिए कि मैं जो पूर्णतः उनका समर्थन करता हूँ और उनकी पार्टी का भी धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं मांगा। कल क्या होगा ये कल भविष्य के घर में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब सवाल आता है मीडिया के चल चरित्र का, तो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है या फिर और भी जो बहुत सारे पत्रकार हैं, मैंने देख रहा हूँ 2-3 दिन से चैनलों पर, कि जिस प्रकार से तिलमिलाहट है, जिस प्रकार से बौखलाहट है और जिस प्रकार से उनको लग रहा है कि पता नहीं कौन सा बम फूट गया है और कि साहब ये तो गलत है और ये तो ऐसा है, ये तो वैसा हो गया, पता नहीं क्या हो गया। आप ही के धर्म ग्रंथ आप ही के महापुरुषों ने लिखे और आप ही आपके लिए आपको मान सम्मान देने के लिए लिखे गए। आज अगर उनको कोई शूद्र कोई SC ST उनको पढ़ करके ये कह रहा है कि इसमें ये गलत है, तो भी आपको बेचैनी क्यों हो रही है? और जो लोग ये कह रहे हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ताड़ने का मतलब देखना है, तो ये ढोल गवार शूद्र पशु और नारी है ना, इनकी जगह ब्राह्मण छत्री और द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी लगा कर इसको कंप्लीट कर लो, मान सम्मान तुम लो ना, तो हम देखेंगे। इस देश के 90% आबादी जो है वो देखेगी तुमको। तो ये बेवकूफ़ बनाने की बात कर रहे हैं। पहले इसको कहते हैं चोरी और सीना चोरी। आप एक तो गलत कर रहे हो और ऊपर से फिर बदतमीजी भी कर रहे हो। आप ये नहीं कह रहे, ये जितने मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो कुकुर मुत्ते बैठे हैं और ये जो कह रहे हैं कि इस प्रकार से ये गलत है, या जो भी पत्रकार, ये पत्रकार नहीं है, ये दलाल हैं दरअसल, ये एक 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 समुदाय विशेष की बात को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये जो भी लोग बैठे हैं इनको ये मालूम नहीं है कि तुमसे ज़्यादा पढ़े लिखे आज की तारीख में इस देश के अंदर SC ST OBC के लोग घूम रहे हैं। तुमने संस्कृत उतनी अच्छी नहीं पढ़ी होगी जितनी आजकल का दलित जो संस्कृत पढ़ा रहा है। हम दिल्ली विश्वविद्यालय में खड़े होकर के बात कर रहे हैं, इसी दिल्ली विश्वविद्यालय में वाल्मीकि समाज से आती है कौशल पवार, संस्कृत की प्रोफेसर हैं, आप उनसे पूछिए संस्कृत का क्या है, वो बताएंगी आपको। तो ये जो उन्होंने कॉपीराइट कर रखा गया, नहीं साहब हम ही पढ़ेंगे धर्म, दरअसल बात क्या है, एक समय ऐसा था 200-300 साल पहले, 150 साल पहले, फूले के आंदोलन से पहले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से पहले, इनको ये मालूम था कि ये जो धर्म ग्रंथ है ना हम ही पढ़ेंगे और हम ही ना लिखे हैं, ये हमारा कानून है, हमको इसको पूरे भारत को कैसे चलाना है। तो वो इनको ये मालूम नहीं था कि कल को तुम्हारे चाचा जी तुम्हारे अब्बा जी पैदा हो जाएंगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और फूले और कबीर और नानक और रैदास, ये फिर शिक्षा की चिंगारी जलाएंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सबको जो है वो बराबर शिक्षा का अधिकार दे देंगे, और जब वो धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तो वो हंसेंगे, वो कहेंगे इसमें क्या लिखा है। इन्होंने बिना सोचे समझे ऐसी ऐसी बातें लिख दी, ऐसी ऐसी मनगढ़ंत कहानी लिख दी और उनको सच मान रहे हैं। इतना बड़ा सूरज इन्होंने
हनुमान के मुंह में दे दिया। अब कोई लॉजिक है इसका नहीं ना, लेकिन अब क्या है कि इनसे कोई उस समय तर्क करने वाला तो था नहीं। अब आज की तारीख में इनसे तर्क करो तो ये कहता है ब्राह्मण से मुला जवान लड़ा तो, अरे भाई ब्राह्मण तू भी तो आदमी है, कथा थोड़ी हो रही है, तू तो हम भी तो बोलेंगे। तो ये क्या है कि ये उस चीज़ को एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। चंद्रशेखर जी ने जो बात कही है उसका पूर्णतः समर्थन होना चाहिए और देश में उनको समर्थन मिल रहा है, तो इसलिए मैं यही कहूँगा इस बयान पर कि जो भी है वो सही है और हमारे लोगों को बोलना पड़ेगा। राजेंद्र पाल गौतम ने 22 प्रतिज्ञा दोहराई, तो जो हमारे नकली अंबेडकरवादी मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल साहब, तो उन्होंने इस्तीफा ले लिया राजेंद्र पाल गौतम की, अब तो मुझे लग रहा है विधायक भी खतरे में उसकी बेचारे की। तो ये जो लोग घूम रहे हैं तो इनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए, फिर आगे बोलना चाहिए। तो क्या जो इस्तीफा मांग रहे हैं इस्तीफा होगा जैसा आपने इनका? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, अगर इस्तीफा होता तो अब तक हो जाना चाहिए था, चार पाँच दिन छः दिन का मामला हो गया ये, तो इस्तीफा अगर होता तो हो जाना चाहिए था अब तक। लेकिन मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि पार्टी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, पार्टी को समझ लेना चाहिए। इस देश के अंदर चाहे JDU है, चाहे RJD है, चाहे सपा है, चाहे बसपा है, चाहे और तमाम जो SC ST OBC माइनॉरिटी की पार्टियां हैं, ये पार्टी के मुखिया या पार्टी के अध्यक्ष इस बात को समझ लें कि इनको कोई सवर्ण समाज का आदमी वोट देगा नहीं। जब सवर्ण समाज का आदमी आपको वोट देगा नहीं तो फिर सवर्ण समाज की लड़ाई क्यों लड़ रहे हो भैया आप? आपका फोकस इस देश के 85% 90% जो SC ST OBC माइनॉरिटी की आबादी उस पर होना चाहिए। जब उस पर है, जिनकी भावनाएं आहत हो रही हैं, जरा इनकी जातियाँ भी चेक कर लो। ये जो इस्तीफा मांग रहे हैं इनके सरनेम चेक कर लो, इनकी जातियां चेक कर लो, पता चल जाएगा ये 90% जो लोग हैं, ये 90% वो लोग हैं जो कि सवर्ण समाज के लोग हैं, जो कि उन धर्म ग्रंथों से जिनको मान सम्मान मिल रहा है, जिन जो धर्म स्थानों से जिनका पेट पल रहा है, तो उनको बेचैनी होगी। जब जब इस देश के अंदर फूलेवाद और अम्बेडकरवाद बढ़ेगा, यानी शिक्षा बढ़ेगी एक तरीके से, वो फूलेवाद और अम्बेडकरवाद का मतलब है शिक्षा बढ़ना। जब जब इस देश के अंदर फूलेवाद और अम्बेडकरवाद बढ़ेगा, जब जब लोग शिक्षित होंगे तब तब वो सवाल खड़ा करेंगे, और सवाल खड़ा करेंगे तो सवालों से भागते हैं लोग, ये सवालों का जवाब नहीं देते, बीच में बहुत सारी चीज़ें ले आएंगे, आप सवाल करोगे तो कुछ दूसरी चीज़ ले आते हैं। तो ये सच्चाई है कि चंद्रशेखर का जो बयान है वो आज के समय के हिसाब से, जब देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का काम किया जा रहा हो, देश को एक विचारधारा में की तरफ ले जाने का काम किया जा रहा हो, उस दौर में चंद्रशेखर का बयान अपने आप में मायने रखता है। और इस देश के अंदर आप ये समझ लीजिए, अगर हिंदू राष्ट्र में अगर कोई रोड़ा है तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विचार, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की चाहे तो 22 प्रतिज्ञा हों, चाहे फूले का, चाहे पेरियार के 15 सवाल हों, वो जो हैं वो इनके हिंदू राष्ट्र में रोड़ा है। और जैसे जैसे लोग अम्बेडकर को, फूले को, कबीर को, पेरियार को पढ़ेंगे और समझेंगे, वैसे वैसे इनका हिंदू राष्ट्र का जो नकली वो है ना, जो शंख बजा रहे हैं वो कांपने लगेगा, उनके पास कुछ है नहीं। तो क्या नींव हिल रही है इन चीज़? बिल्कुल नींव हिल रही है। अगर आप देखिए, इन्हीं के रामायण की, इन्हीं के किसी धर्म ग्रंथ की एक चौपाई हमारा कोई इस देश का SC ST OBC भाई जो है, बहुजन समाज का नेता जो, वो दोहरा देता है तो उनकी भावना याद हो जाती है। अरे हम तो कह रहे हैं भाई, अगर आपको लगता है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सही है, तो इसमें ढोल गवार शूद्र पशु नारी की जगह द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी उपाध्याय जी लिखो, सम्मान लो ना, खूब सम्मान लो यार, तुम्हारे सम्मान में भी कमी रही है, और भर भर का सम्मान लो, इस चौपाई में भी तुम मिलो सम्मान, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे तुमसे सम्मान। लेकिन सर, जिस तरह से टेलीविजन में दिखाया जा रहा है, आपको देखकर कैसा लगता है कि मतलब बड़ी फूहड़ता की बहस की, मतलब कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, गलत अर्थ निकाल रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि गलत अर्थ निकाल ले तो सही तुम बता दो क्या, अगर ये गलत है तो सही क्या है, सही बताओ ना, उनको ही पता सही कुछ है नहीं, वो गलत को सही करने में लगे हुए हैं। मैं तो अभी देख रहा हूँ, मतलब ऐसी भावनाएं आहत हो रही है साहब, वो पूरा ब्राह्मणवाद बाहर आ गया सारे पत्रकारों का, ऐसे लग रहा पता नहीं इनकी इनके हाथ में से कोई थाली छीन रहा है खाने की। तो उनको लग रहा है कि जैसे जैसे लोग समझ रहे हैं और जैसे जैसे लोग अपनी बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखिए कि जो चंद्रशेखर ने बात कही, जो राजेंद्र पाल गौतम ने बात कही, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में बड़ी मायने रखती हैं सारी चीज़ें, कि राजनीतिक व्यक्ति हमेशा ऐसे सवालों से बचता है, उसको हर आदमी का वोट चाहिए, लेकिन अगर कोई मंत्री होते हुए, चाहे वो राजेंद्र पाल गौतम, चाहे वो चंद्रशेखर, चाहे कोई अन्य को, इस प्रकार से अगर इस प्रकार की भाषा बोलता है, इतना सच बोलता है, ये कड़वा सच है, तो आप समझिए कि वो आदमी वो है जो इस देश के लोकतंत्र को, जमहूरियत को बचाए रखने के लिए और इस देश में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको बचाए रखने के लिए ये भाषा बोलनी पड़ेगी। पा रहे हैं ना, उगल पा रहे हैं, ये क्या ना देखिए, श्याम और शक्षुंदर वाला हाल हो रहा है ना, नगले निगले बन रहा है ना उगले बन रहा है, ये इनके गले की फांस बन गए। और मैं कह रहा हूँ कि जब तक इस देश के अंदर ये धर्म ग्रंथ रहेंगे, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ भैया, रामायण की ऐसी घटना होने लगी ना, मैं बता रहा हूँ आपको गजेंद्र जी, मैं तो कह रहा हूँ कोई ना कोई लेकर खड़ा हो जाए पुराणों को, ग्रंथों को, मैं वही कह रहा हूँ कि आप अपने सारे शंकराचार्यों को इकट्ठे कर लो, आप अपने सारे महामंडलेश्वरों को इकट्ठा कर लो, और ये कहते हैं संविधान की समीक्षा होनी चाहिए, भाई संविधान की समीक्षा मत करो, धर्म ग्रंथों की समीक्षा कर लो, है चाहे और दूसरे हैं, मनुस्मृति है, चाहे रामायण है, चाहे गीता है, ये जितने हैं मैं सबकी समीक्षा कर लो। और उस समीक्षा में चार हमारे दलित प्रोफेसर्स को बुलाइए संस्कृत के को, चार ओबीसी प्रोफेसर्स को बुलाइए, चार सवर्ण समाज के प्रोफेसर्स रखिए और बैठ करके समीक्षा करिए, जो मानव के हित में है उसको रखिए और जो नहीं है उसे हटाइए,
क्या दिक्कत है, करो समीक्षा। तुम प्रस्ताव पास कर रहे हैं आप इसका? बिल्कुल, मैं प्रस्ताव पास कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ संशोधन होना चाहिए धर्म ग्रंथों में। मैं तो मानता ही नहीं, मेरे लिए तो वो संशोधन भी कर लोगे तब भी किसी काम के नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये सही है तो तुम्हारे हिसाब से सही है और चंद्रशेखर के हिसाब से सही नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ कि बैठा लो, बैठ के बातचीत कर लो। लोकतंत्र में जो बातचीत एक माध्यम है ना, आप करिए भाई, एक प्लेटफॉर्म पर आइए, डिस्कस होना चाहिए। आप एक प्लेटफॉर्म पर बैठिए, मीडिया तो आपको समझा रही कि आप गलत अर्थ निकाल रहे हैं, फिर भी नहीं समझ पा रहे। ओहो, हम कह रहे हैं हमें मीडिया से बात ही नहीं करनी। भाई हम मीडिया से बात क्यों करें? हम ये कह रहे हैं कि आप इस देश के तमाम शंकराचार्यों को, तमाम जो इनके मठाधीश हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं हिंदू धर्म के, उनको बिठा लीजिए और हमारे एस सी एस टी ओ बी सी के 20-25 संस्कृत के विद्वानों को बिठाइए। और विद्वान वो मैं नहीं कह रहा कि अपने घर में, जिनको सरकार ने ऑथराइज़ किया हो, जो उनके पास PhD की डिग्री हो संस्कृत में, उनको बिठा लीजिए और एक एक श्लोक को पढ़िए और जो लगता हो आपको कि मानव के हित में है उसको रखिए और जो नहीं रखते जो नहीं है उसको निकाल कर हटाइए, कर लीजिए, क्या दिक्कत है उसमें। अगर आप इस बात पर सहमत हैं तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र में अच्छा रास्ता है।